नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो के इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में कि इसमें कौन सी सेटिंग्स कहाँ पे दी गई हैं और किन सेटिंग्स का यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है। दिखने में ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और ख़ासकर नाइट में जब इसकी बटन्स इल्यूट होती है तब तो ये और भी अच्छा लगता है। इससे एक अपर वेरिएंट में टाटा टियागो के टच स्क्रीन आता है जो कि वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन उतना प्रैक्टिकल वो मुझे लगा नहीं, क्योंकि इसमें ये जो वॉल्यूम अप डाउन और सिलेक्ट करने का जो बटन है वो काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। तो सबसे पहले हम एक एक से इसके ऑप्शन की बात करें तो ये जो आपको बटन दिख रहा है इसका रोल है डिस्प्ले ऑफ या ऑन करने का। जैसे कि मैं अभी चलाता हूँ तो मेरी डिस्प्ले ऑफ हो गई है। बैकग्राउंड में आपका जो सिस्टम है वो वर्क करता रहेगा पूरा, लेकिन आपको अगर नाइट में जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो अगर ये आपको डिस्प्ले किसी तरीके से अगर इरिटेट कर रही है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं या इसी बटन से वापस से ऑन कर सकते हैं। इससे आपको ये इरिटेट नहीं करेगा और आप बिना किसी कंसंट्रेशन के को लूज किए आप आपकी ड्राइविंग कर पाएंगे। अगली चीज की हम अगर बात करें तो वो आती है ऑप्शंस की बटन। ऑप्शन में जैसे ही आप ऑप्शन बटन को ऑन करते हैं तो आपको ब्लूटूथ के अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो ऑलरेडी यहाँ से दिए हुए हैं। अगर मैं रेडियो मोड में अगर जाऊं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर मैं अगर ऑप्शन बटन दबाता हूँ तो ऑटो स्टोर का आपको ऑप्शन दिखता है। ऑटो स्टोर को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके एरिया में जितने भी रेडियो चैनल्स चल रहे हैं वो सारे अपने आप इसमें स्टोर हो जाते हैं। जैसे अभी 94.3 चल रहा है तो वो ऑटोमेटिक इसकी प्लेलिस्ट में आ जाएगा और आप जैसे ही यहाँ से नेक्स्ट या फिर आपको ये जो बटन्स दिख रहे हैं नेक्स्ट करने के, उनसे आप चेंज करेंगे तो आपको बार बार ट्यून करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो आपके प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। उसके बाद स्कैन का ऑप्शन आता है तो सेम ये भी वही फंक्शन करता है। उसके बाद आप बैक जाएं और सेटअप की बटन में जाएं, सेटअप का ऑप्शन चूज करें तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन आता है व्हीकल सेटअप का। तो व्हीकल सेटअप में जैसे हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है सेंट्रल लॉकिंग का। तो सेंट्रल लॉकिंग में ड्राइव अवे लॉकिंग, जब आप गाड़ी को चलाने लगते हैं, जैसे आपकी गाड़ी चलने लगती है तो 5, 10 या 20 के आसपास जब आपकी स्पीड हो जाती है तो गाड़ी के चारों डोर अपने आप लॉक हो जाते हैं। अगर आप वो फीचर को ऑन रखना चाहते हैं तो आप इस पर टिक लगा दीजिए। मैंने अभी अनटिक कर दिया है, मैं वापस से इसे टिक कर रहा हूँ। अगर ये टिक रहेगा तो वो फीचर आपका ऑन रहेगा और ये अनटिक रहेगा तो वो फीचर ऑफ रहेगा। उसके बाद व्हीकल ऑटो रीलॉक, अगर आप कि गाड़ी के चारों दरवाजे बंद है और की भी बाहर है और अगर आप गाड़ी को लॉक करना भूल गए हैं तो गाड़ी 5 या 10 मिनट में ऑटो रीलॉक हो जाती है। अगर आपको ये फीचर पसंद आता है तो आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद बैक जाएं तो आपको पार्क असिस्ट का फीचर देखने को मिलता है। पार्क असिस्ट का मतलब एक्टिवेट पार्क असिस्ट। अभी मैंने ये डिफॉल्ट में अनटिक है, अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो पीछे के चारों जो पार्किंग सेंसर्स है वो ऑन हो जाएंगे। जैसे अभी ये ऑन हो गए हैं, अब मैं वापस से बैक जाता हूँ तो वापस से वो अनटिक हो जाता है। उसके बाद पार्क असिस्ट वॉल्यूम, पार्क असिस्ट वॉल्यूम को अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। पार्क असिस्ट वॉल्यूम वो होती है जब आप पार्किंग सेंसर्स ऑन रहते हैं और पीछे कोई ऑब्जेक्ट आता है तब आपकी गाड़ी में एक बीप सुनाई देती है। आप उसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, अगर आपको इरिटेट कर रही तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है मिक्स विथ ऑडियो। अगर आप इसे ऑन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में अगर कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है और आपने जैसे ही रिवर्स गियर लगाया तो आपकी गाड़ी में जो सॉन्ग प्ले हो रहा है वो भी बजेगा और जो साथ में बीप है वो भी बजेगी। अगर आप इसे अनटिक कर देंगे तो ओनली बीप बजेगी, ना कि आपको ऑडियो सुनाई देगा। ठीक है, अगली चीज की हम बात करें तो पार्क असिस्ट डिले टाइमर। तो पार्क असिस्ट डिले टाइमर बोले तो जितना
जब आपने रिवर्स गियर लगाया तो आपके जो पार्किंग असिस्ट सेंसर हैं पीछे के, वो कितनी देर के बाद ऑन होते हैं। तो अभी 0 सेकंड पे ये डिफ़ॉल्टली सेट है, आप 5 या 10 सेकंड पे आप इसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उसके बाद अगले फीचर की हम बात करें तो एक्सटीरियर लाइट्स का आता है। एक्सटीरियर लाइट्स में आता है अप्रोच लैंप। अप्रोच लैंप मींस फॉलो मी होम लैंप। जब आपकी जो आपने जैसे कि आपकी की देखी होगी, उसमें आपको सेंटर में एक ऑप्शन मिलता है फॉलो मी होम लैंप का, या फिर आपको बल्ब का एक आइकन दिखता है। जैसे ही आप उसे दबाते हैं तो आपके हेडलैम्प्स ऑन हो जाते हैं। तो आपको वो हेडलैम्प्स डिफॉल्टली कितनी देर तक के लिए ऑन करके रखना है, 30 सेकेंड या 60 सेकेंड। अभी जैसे मैंने 30 सेकेंड पे ऑन कर दिया है, तो 30 सेकेंड के बाद अगर आपने उन्हें बंद करना भूल गए तो वो अपने आप ऑफ हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई अप्रोच लैंप की। आगे हम बात करें तो आगे आ जाता है आपका होम बटन। तो होम में डिफ़ॉल्टली आपको क्या क्या फीचर देता है उसके बारे में जानते हैं। पहला फीचर है आपका फ़ोन, अगर ब्लूटूथ से आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो आपके फ़ोन के अंदर की कॉन्टैक्ट मीडिया की सारी जानकारी है वो आपको इसी पे शो करेगा। उसके बाद आता है मीडिया, यहाँ पे आप सॉन्ग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेडियो, नेविगेशन। अगर आप इस सिस्टम में नेविगेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करने के लिए कनेक्ट नेक्स्ट का नेवी मैप डाउनलोड करना पड़ेगा, और आप मोबाइल में आपको लोकेशन वगैरह सब कुछ डालनी पड़ेगी। उसके बाद ये आपको नेविगेट करेगा, ओनली यहाँ पे टर्न्स वगैरह इंडिकेट करेगा। आपको आपको जैसा टच स्क्रीन में देखने को मिलता है वैसा आपको कोई नेविगेशन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आता है, जो कि हम अभी अभी देख चुके हैं, और फिर उसके बाद वापस से आपका रेडियो या फिर कॉल का ऑप्शन आ जाता है, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं। उसके बाद हम बात करें इस मीडिया बटन की, तो जैसे ही आप इसे चेंज करते हैं, आप यहाँ पे ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो गए। अगर आप USB है आपके पास तो वहाँ उससे कनेक्ट हो सकता है, ऑक्स है, BT ऑडियो है तो उससे कनेक्ट हो सकते हैं, आईपॉड है तो उससे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मीडिया के अंदर मिल जाते हैं। और अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो आप इस फ़ोन वाले बटन में जाके आप कॉल फ़ोन की कॉल लॉक्स, कॉन्टैक्ट, डायल, अगर आप कोई नंबर डायल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। आपको कॉलिंग के लिए आपको स्टेयरिंग पे भी फीचर दिए गए हैं, जैसे कि ये जो बटन आपको स्टेयरिंग पे दिख रहा है, इससे आप कॉल रिसीव कर सकते हैं और आप इससे कॉल कट कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन करने का भी आपको ऑप्शन दिखता है, और यहाँ पे सोर्स करने के लिए सोर्स चेंज, सोर्स बोले तो आपको मीडिया, अगर आप ब्लूटूथ से आप रेडियो पे स्विच करना चाहते हैं आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम को, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो आप स्विच कर सकते हैं, और नेक्स्ट या फिर अप नेक्स्ट या फिर फॉरवर्ड करने के लिए आप इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। वहीं आपको कार में आपके ड्राइवर सीट के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का स्पीकर, ब्लूटूथ का माइक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। और उसके बाद हम बात करें तो आपको डिफ़ॉल्टली यहाँ पे अगर आपके पास USB पे कोई फोल्डर है तो वो आपको इन बटन से चेंज होता हुआ दिखेगा, और अगर आप रेडियो पे हैं तो आपको 1 2 3 4 से यहाँ पे चैनल होते हुए दिखेंगे। उसके बाद हम बात करें तो अगर आप म्यूट करना चाहते हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से आपको कुछ कॉल वगैरह आ गया या कुछ इमरजेंसी आ गई, आप साउंड म्यूट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और उसका ऑप्शन अगर आप कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं तो सेम वर्क ये वाली बटन भी आपकी। उसके बाद हम सेटअप में जाके बात करें अगली चीज़ की, तो वो आ जाती है ऑडियो सेटअप। ऑडियो सेटअप के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे बटन दिया गया है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको बेस कम ज़्यादा या ट्रिबल कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ऑडियो सेटअप में जाने के लिए आप उसे जस्ट एक बार प्रेस करें, उसके बाद आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिख जाएंगे। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अगर हेडफोन यूज़ नहीं कर रहे हैं वीडियो पे तो आप हेडफोन को यूज़ करें। गाड़ी का स्पीकर की आउटपुट क्वालिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम लाइव एडजस्ट करके बताएंगे कि किस तरीके से चलता है। तो मैं अभी एक गाना यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, और आप अगर हेडफोन लगा के अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको इसमें चेंज जो है आई होप आप जज कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, ये मैंने प्ले किया,
एग्जांपल मैंने यहाँ से बेस पूरा जीरो कर दिया तो आपकी गाड़ी में बेस एकदम कम आ रहा है, और जैसे ही मैंने बेस यहाँ पे बढ़ाया आपने कि इस गाड़ी के स्पीकर्स की आउटपुट क्वालिटी काफी बढ़िया है, और इस सेगमेंट में जो ये जो आपका हार्मन कार्डून का म्यूजिक सिस्टम आता है, और आपको JBL के इसमें चार स्पीकर के साथ चार जो ट्विटर मिलते हैं जो कि काफी बढ़िया टोटल आउटपुट निकालते हैं, वो आप फील कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा इस सिस्टम को समझने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और शेयर कर दें जिनके पास भी, जिन्होंने टाटा टियागो नई नई ली है या जो अभी अभी गाड़ी के ओनर बने हैं। और मिलते हैं किसी अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।